बेसिक टू एडवांस सीरीज का यह है वीडियो नंबर 6, जिसमें हम जानेंगे आज कि हम कोरलड्रॉ में ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं, कोरलड्रॉ में किस तरह से ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया जाता है वो सीखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कंट्रोल डी करके, आप कंट्रोल डी करके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। सिंपली जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होता तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में जाते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारा एक डुप्लीकेट डिस्टेंस, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का हम डुप्लीकेट बनाने जा रहे हैं उसके और दूसरे ऑब्जेक्ट जो कि डुप्लीकेट कॉपी बनेगी उसके बीच में क्या डिस्टेंस हो, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। सपोज मैं यहाँ पर हॉरिजेंटली इसको 7 इंच कर देता हूँ, अगर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये 7 इंच की डिस्टेंस पे जाके ये डुप्लीकेट बन रहा है। तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में जाके बिना कुछ सेलेक्ट किए हुए यहाँ पे इसका ऑफसेट डिफाइन कर सकते हैं। हमारा ये ऑफसेट है 3x3। नाउ सी द रिजल्ट, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने का एक आसान सा तरीका है। ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के कई और तरीके होते हैं, जैसे कि हम न्यूमेरिक की पैड से प्लस की प्रेस करेंगे उस ऑब्जेक्ट का सेम प्लेस पे एक डुप्लीकेट बन जाएगा। तीसरा मेथड है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके इसको मूव करिए। यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट होंगे मूव हियर कॉपी हियर, आपको यहाँ पे कॉपी बनानी है, सिंपली कॉपी कर दी। इसका भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिंपली गए और ये लिखा और कॉपी है। तो ये तीसरा मेथड है ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने का। इसके अलावा एक चौथा मेथड होता है ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने का, सिंपली आपको लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है और सिंपली राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन बन के आएगा, सिंपली छोड़ देना उसको, तो आप देखेंगे सेल्फ डुप्लीकेट बन के तैयार हो गया। इस प्रकार का डुप्लीकेट करने का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कोरलड्रॉ में डिजाइन बनाने के लिए। सिंपली आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कंट्रोल की दबाऊंगा और तो जाएंगे स्ट्रेट लाइन में जाएगा और सिंपली यहाँ पर जाके राइट क्लिक करूँगा, एक प्लस का निशान बन के आएगा और मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ये इसका एक डुप्लीकेट बन के तैयार हो गया। इसके अलावा स्पेस बार के थ्रू हम मल्टीपल डुप्लीकेट एक ही साथ बना सकते हैं। सिंपली हमको क्या करना है, मैं स्पेस बार दबाया, इसको मूव करता हूँ मैं और मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो आप देखेंगे इसकी कितनी सारी कॉपियाँ बन के तैयार हो गई। तो इस तरह से आप कोरलड्रॉ में विभिन्न तरीकों से ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। कई तरीके हैं डुप्लीकेट बनाने के। ये गए, मैंने चिप की दवाई माना और इसको स्पेस बार दबा के फिर मूव करना शुरू किया, तो ये देखें शानदार डिजाइन बन के तैयार हुआ। स्पेस बार के साथ मैंने सो सिंपल क्या किया, ऑब्जेक्ट को मूव किया और इसकी मल्टीपल कॉपी बन के तैयार हो गई। तो इस तरह से आप कोरलड्रॉ में अलग अलग तरीकों से अपने ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। कहाँ पे कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है और डिजाइनिंग के नेचर के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। एक तरीका और है डुप्लीकेट बनाने का। सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, इस तरीके में डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले उस ऑब्जेक्ट का एक बार डुप्लीकेट बनाना होता है और उसके बाद कंट्रोल आर करेंगे तो ये जो हमने लास्ट एक्शन डाला है वो रिपीट होता है और ये ऑब्जेक्ट ये इसके डुप्लीकेट बनने शुरू हो गए। सपोज मैंने यहाँ पे ये रेड कलर फिल किया, मैं इसमें भी चाहता हूँ कि यहाँ पर रेड कलर फिल है तो सिंपली मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल आर कंट्रोल आर। अब मैंने यहाँ पर सपोज इस ऑब्जेक्ट को छोटा किया और साथ में इसको डुप्लीकेट बनाने के लिए राइट क्लिक कर लिया, अब मैं कंट्रोल आर दबाऊंगा तो ये छोटा होता जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि हम कंट्रोल आर करके भी अपने ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। मैं इसको यहां पे इंक्रीज करता हूं शिफ्ट की के साथ और राइट क्लिक करता हूं, इसके डुप्लीकेट बना। अब मैं इसको रिपीट करूंगा सेक्शन को, कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम कितने सारे तरीकों से अपने ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। पहला तरीका कंट्रोल डी, दूसरा तरीका न्यूमेरिक कीपैड से प्लस की दबा के उसी स्थान पर एक डुप्लीकेट बनकर तैयार हो जाएगा, तीसरा तरीका माउस का राइट बटन क्लिक करके पोजीशन चेंज करनी है और वहां पर लिखकर ऑप्शन आते हैं कॉपी हेयर मूव हेयर, तो आपको कॉपी हेयर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वहां पर एक डुप्लीकेट बनकर तैयार हो जाएगा। चौथा तरीका है आपको लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करना है और साथ में राइट क्लिक करना है और आप देखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन बन के आता है, सिंपली छोड़ देना उसको, यहाँ पर डुप्लीकेट बन के तैयार हो गया। चौथा तरीका स्पेस बार वाला है और पांचवा तरीका है कंट्रोल आर वाला। तो आशा है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हम किस तरह से कंट्रोल रूम में डुप्लीकेट बनाते हैं ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को रिप्लीकेट कर। प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much.